तो आज मैं उन्हीं कपड़ों में हूं जिनको पहनकर शाहीन बाग गया था। आज मैंने वो कपड़े नहीं पहने जो खास तौर पर मैं एंकरी के लिए पहनता हूं, क्योंकि मैं यहां पर एक स्टेटमेंट देना चाहता था कि अगर वाकई अगर हम वहां पर उनकी बात सुनने गए थे तो उन्होंने विरोध क्यों किया? क्या मीडिया को भी दो धड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं आंदोलनकारी? क्योंकि कुछ लोगों के लिए वहां रेड कार्पेट बिछाया जाता है और कुछ लोगों को मार कर बेइज्जत करके भगाया जाता है। क्या कुछ हुआ वहां पर, हरीश भाई मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ हुआ शाहीन बाग में आज न्यूज नेशन की टीम के साथ। इस वक्त हम शाहीन बाग की उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर पिछले एक महीने से धरना चल रहा है और देश ही नहीं पूरी दुनिया को इस धरने ने आकर्षित किया है। हम जानना और समझना चाहते हैं कि NRC और CAA को लेकर इन तमाम लोगों का दर्द क्या है। जिस CAA और NRC पर पिछले 42 दिन से शाहीन बाग की सड़क को बंधक बनाकर रखा गया है, उस पर बोलने की बारी आई तो प्रदर्शनकारियों में शामिल एक झुंड ने अपना असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। यहाँ पर लोगों में ऑब्जेक्शन कैमरे में रिकॉर्ड गुंडागर्दी की एक एक फ्रेम को गौर से देखी। लोगों का दर्द क्या है? अभी हमारी कवरेज शुरू की हुई थी कि तभी हमारी टीम की तरफ एक हिंसक भीड़ बढ़ने लगी और गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। आगे हम कुछ समझ पाते तब तक बाई ओर से हिंसक भीड़ ने हमें घेर लिया। सिर पर काली पट्टी बांधे ये युवा हमें पीछे धकेलने लगा। न्यूज नेशन के कैमरे को तोड़ा गया। हिंसक भीड़ ने लाइव कवरेज के दौरान दीपक चौरसिया के साथ मारपीट की। शाहीन बाग के हमलावरों ने शूट रोकने की पूरी कोशिश की। जिस मंच से पिछले एक महीने में लोकतंत्र संविधान की तमाम दुहाइयां दी जा रही थी, सरकार पर आवाज दबाने की तोहमत मढ़ी जा रही थी, मुखर आवाज उठाने के दावे और वादे किए जा रहे थे, उसी मंच के आगे गुंडागर्दी की इन तस्वीरों ने कई सवालों को जिंदा कर दिया। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के बीच खुलेआम गुंडागर्दी होती रही, लेकिन मारपीट कर कैमरा बंद कराने से सच छिप नहीं जाता। शाहीन बाग में जो कुछ हुआ उन सुलगते सवालों को जवाब का इंतजार है। शाहीन बाग में न्यूज नेशन पर हमला क्यों किया गया? शाहीन बाग के हमलावर कौन थे? शाहीन बाग में खुलकर बात करने से कौन रोकना चाहता है? CAA और NRC के विरोध के नाम पर क्या गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है? पुलिस की मौजूदगी में मारपीट कैसे हो रही है? आयोजकों से परमिशन लेकर कवरेज करने गए थे, फिर ये बवाल क्यों? उपद्रवियों ने न्यूज नेशन की टीम को बंधक बनाने की कोशिश क्यों की? हालांकि ये कहना भी बहुत जरूरी है कि प्रदर्शनकारियों में कुछ लोगों ने अगर अपने साथियों से भिड़कर हमें बाहर निकलने में मदद नहीं की होती तो शायद न्यूज नेशन की टीम उस भीड़ से बच नहीं पाती।